ड्रामा सीरियल दिल ना तार अरवलिक साथ में आप देखेंगे के तानिया सा व्यास से कहेगी कि मैं आज भी तुम्हारी मुंतजिर हूँ, तुम उस नायाब को तलाक देगा, मुझसे शादी कर लो। इस पर दाव्यार कहेगा कि तानिया क्या हो गया है तुम्हें, एक ऐसी बातें कर रही हो तुम अब जुनैद की बीवी हो और मेरी भाभी हो। लेकिन तानिया कहेगी कि जुनैद का और मेरा रिश्ता सिर्फ कागजी रिश्ता है, जबकि मेरे दिल में आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। दाव्यार कहेगा कि जो भी है, लेकिन तुम जुनैद की बीवी हो और मैं भी नायाब का शोहर हूँ और एक बच्चे का बाप भी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तानिया कहेगी कि दाव्यार अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है, पहले भी तुमने उस नायाब की वजह से मुझे दुदकारा था और आज भी तुम वही गलती दोबारा करने जा रहे हो। वो लड़की बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं है और इस बात का अंदाजा तो अब तुम्हें हो ही चुका होगा। लेकिन दाव्यार कहेगा कि तुम्हें हमारे पर्सनल मैटर में दहर अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा और नायाब का आपसी मामला है। वो थोड़ी सी नासमझ और नादान जरूर है, लेकिन वो एक मासूम और शरीफ लड़की है और उसकी यही सादगी मुझे पसंद है। तो तानिया कहेगी कि वो तुम्हें बस बेवकूफ बना रही है और तुम उसके हाथों बेवकूफ बनते जा रहे हो। वो और जुनैद दोनों मिलकर हम दोनों को धोखा दे रहे हैं और मुझे मालूम था कि तुम मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करोगे, इसलिए सबूत के तौर पर मैंने ये वीडियोस बना ली थी। अब इस तरह तानिया दाव्यार को वो AI से जनरेट की हुई फेक वीडियोस दिखा देगी, जिससे दाव्यार नायाब से वजन हो जाएगा। और दूसरी तरह जब ये बात खुलेगी तो जुनैद को भी बड़ा गुस्सा आएगा और वो भी सबके सामने तानिया को तलाक दे देगा।